सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, सुन रहे हैं ना, सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह है, दुआ सलाम अपनी जगह पे, प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा ये प्रणाम, और स्वीकार कीजिए वो सारे गाने जो आपके लिए आज हम चुन कर लाए हैं। चलते चलते लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। क्या बात हुई, अभी आते ही कल की फिर उम्मीद, ये बात जो ये प्यार में उम्मीद जो है बंधे रहने की जरूरत ही होती है, दिल का मामला है ना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस प्यार भरे दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अब वफा तो आप जानते ही हैं, तभी तो इसे निभाने के लिए हर रोज 10 बजे से 11 बजे तक आ जाते हैं, हम भी इंतजार करते हैं भाई। बदलती मेरी तुम जिंदगानी,
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, है वफा इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ना जी ना, बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं, और ऐसी बेकरारी मोहब्बत में क्या कहिए, आते ही आते अपने दिल की जो बातें हैं, जज्बात बन के जो उमड़ घुमड़ रहे हैं, वो शब्द बन के ईमेल के जरिए हम तक पहुंचने लगे हैं। अरे जनाब, थोड़े से तो और बातें सुन लीजिए, हमारे दिल के हालात को भी तो सुन लीजिए और कुछ गाने सुन लीजिए। ये आपको पसंद आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लिख दीजिएगा। अब हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। नहीं प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरे होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ, मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, इससे पहले क्या कभी ये सितम हुआ नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है सता नहीं। मैं भी होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है, मैं भी होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है, उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या, रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या, ये वो शौक है कि जिससे कोई भी बचा नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो
जी हाँ, इनकी ही बात सुन लीजिए, इन्हीं की बात मान लीजिए। प्यार करने वाला दिल तो बस यही कहता है कि दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह वाह चाहिए आपकी। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह वाह चाहिए आपकी। आप ये पूछे कि कैसे हो, परवाह, बस यही दो लफ्जों की परवाह चाहिए आपसे हमें। लेते हुए नाम मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर, नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका का, जो बस लेते हुए नाम मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। ना ना, ऐसा किसने कहा है मोहब्बत करने वाले बदनाम हो जाएं तो मोहब्बत ही ना बदनाम हो जाए। अब बारिश की बात करें तो किसी फिल्म का एक सीन थी बारिश, एक बार मुझसे मिली तो गमगीन थी बारिश। कुछ लोगों ने रंग लूट लिए शहर में इसके, जंगल से जो निकली तो वो रंगीन थी बारिश। ऐसे ही एहसास लेकर के चलने की जरूरत होती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इंद्रधनुषी है, रंगीन है, इसका आनंद उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। Yeah.
देने वाले ने भी स्वीकार कर लिया और दिल लेने वाले ने भी स्वीकार कर लिया। ये जो मिलना मिलाना होता है ना, ये लम्हे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सचमुच किसी ने कितनी खूबसूरत सी बात कही है कि कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी जिंदगी का एक पल भी नहीं गुजरता है। वो कौन सा पल होता है, कौन सा लम्हा होता है? वही जब प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। दुख है मिलन के साथी मेरे आरे, दुख है मिलन के साथी मेरे आरे, मोहे कही ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदियां किनारे, दुख है मेरे आरे। ठंडी हवा सही ना लाए आधा
मुझके जाने बस जाऊं तेरी आंखों रुत है मिलन के साथी मेरे आ रहे मेरे साथी आ रहे हैं ना अपने दिल की बातें चिट्ठी लिख करके ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी बताते हैं किसने किसने मोहब्बत भरा ये पैगाम हम तक पहुंचाया है, लेकिन बात तो कुछ और यहाँ चल रही है। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी और वो नफरत भी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी या है और नफरत भी तुम्हारी थी या है। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, आपसे ही मांग रहे हैं भाई, इंसाफ कर दीजिए, ईमेल भेज दीजिए। कार्यक्रम कैसा लग रहा है?
ये प्यार वाला जो रिश्ता होता है ना, बहुत अजब गजब होता है। अब देखिए ना, दिल वाकई में धड़कता है। थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए भी आपसे जुदा होना इस एक घंटे में मुझे तो मंजूर नहीं है बिल्कुल ही। लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा। कुछ पल के लिए इधर से दूसरे रास्ते को हमें पकड़ना ही पड़ता है। आते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान, क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 MHz पर। सुरीली बोलियां, इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ ही सरिता हूँ। आपके साथ में 11 बजे तक रहने का वादा किया है तो जरूर रहेंगे भाई। देखिए, आपका साथ तसल्ली से मुझे चाहिए। बरसों की थकान लम्हों में कहाँ उतरती है, और एक एक लम्हा जब गुजरता चला जाता है तो वाकई दिल की धड़कनें भी बढ़ने लग जाती हैं। पर आपके दिल की धड़कन को बढ़ाने वाली मैं नहीं हूँ। पहले बता देती हूँ कि आपके दिल में जो भी बातें आ रही हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो आप लिख भेज सकते हैं हमारे पास प्यार भरे खत के जरिए। वो है bbsdelhifeedback@gmail.com। इस पे आप अपने दिल का पैगाम भेजिए। हमारे कुछ साथियों ने भेज भी दिया है, हम बता देते हैं। गुड मॉर्निंग करके मोहम्मद सईद अब्बासी और शहनवाज अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने लिखा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब आपके साथ जुड़ गए हैं और जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद एक ईमेल आया है कमल अरोड़ा जी का, वीना अरोड़ा है इनके साथ में, कह रहे सारे गाने जिंदगी से भरपूर हैं और प्रोग्राम तो जिंदगी से भरपूर है ही। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। उसके बाद हमारे एक साथी हैं, उनका भी ईमेल आया है। कौन है हमारे ये साथी, बता देते हैं। साधना गोयल हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं और इनके साथ चरण सिंह राठी, रोहतास कुमार वत्स जी हैं और कहते हैं कि कुछ और ये बात इन्होंने कही है जो हम विभाग तक पहुंचा देंगे। कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। श्रीपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनम गोयल भी इनके साथ साथ हैं और ये दिवाकर शुणाय जी का एक प्यार भरा खत आया है, कह रहे हैं बहुत अच्छे गाने बज रहे हैं, आपने तरोताज़ा कर दिया है ये गाने सुना करके और मैं बहुत ही फ्रेश मूड से आपका ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। दिवाकर शुणे जी का जो ईमेल आया है, मैंगलोर से इन्होंने ये लिखा है और बस उसके बाद बस कार्यक्रम के बारे में अगर आप लिखते हैं तो एक ईमेल आप भेज देंगे वही बहुत है। मोहब्बत लिबास नहीं है जनाब, जो हर रोज बदल लिया जाए।
मोहब्बत तो मोहब्बत है, उसे पहन के उतारा नहीं जाता।
जी हाँ, दोस्ती प्यार हो तो ऐसा ही है। उसने एक ही बार कहा था दोस्त हूँ, फिर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ। हर पल आप सबके लिए समय है, लेकिन दिल की ख्वाहिश है कि कभी तो चौक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंखों में हमें भी तो इंतजार दिखे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होंठों पे तो ना थी, होंठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तू ही से कर बैठे, ना ना करते माटी है खो जाए तो सोना है, इन हसरतों का ख्वाहिशों का क्या कहने, एक ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरी। अरे जनाब, बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे तो संभालिए। किसका अफसाना लिखा है, मैंने दबी आवाज में पूछा। मोहब्बत करने लगे हो, नजरें झुका कर बोला बहुत। लिखा तो है
अभी तो कंप्यूटर जी ने जिनका अफसाना लिख करके हम तक पहुंचा दिया है उसमें है अमीना तखान जी, कहती हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं, गाने सुन के चुस्ती फुर्ती आ गई है इनके ज़िंदगी में। और सुदर्शन मुखी जी भी ईमेल करते हैं और वो कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हमें सम्मान भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन मुखी जी। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है, हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतार दी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे, समंदर उफान पे है, जरा संभल के। छुप गए सारे नजारे, मैया मात हो गई, छुप गए काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना वो क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना वो क्या बात हो गई। मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, तेरे होंठों पे। देखिए ये वाली बात आप ही कह रहे हैं, कल नहीं आना, आपकी बात तो मैं मान ही लूंगी, कल बिल्कुल ही नहीं आने वाली हूँ मैं। तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई। बरसात हो गई, तेरी चुनरी
गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी और जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई, लेकिन ऐसा कोई डर वर नहीं था, हम इंतज़ार ही कर रहे थे। प्रकाश गोगिया जी का भी ईमेल आ गया है, प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत ही तारीफ ये भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, ऐसे प्रोग्राम सुनते रहिए। और सोनू मलिक जी हैं और अजरा है इनके साथ में, सीमा पूरी से इन्होंने लिखा है, गाने और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बातें भी अच्छी लग रही हैं। कोमल पंडित जी का भी उत्कर्ष के साथ में ईमेल आया है, कौशिक भी इनके साथ कस्बा रबपुरा ग्रेटर नोएडा से आया है और कहते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के, के रुसवाइयों के बहाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। ख्वाहिशें और ये सब कहाँ रहती हैं, कहते हैं कि मैं तो हर रात अपने ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ, मगर रोज़ सुबह ये मुझसे पहले ही जाग जाती है। ख्वाहिशें ऐसी ही होती हैं जनाब। कहाँ जय हनिंदिया चोरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी हो, कहाँ जय हनिंदिया चोरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी। चलिए पीपल की छैया के नीचे मिलने का वादा करके अब हम जाते हैं। ख्वाहिशों को कभी ख़त्म नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि अगर उस पे आपने रोक लगा दी था तो मिलना मिलाना सब कुछ ख़त्म। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप सबकी शिकायतें, आप कहते हो आप रोज़ क्यों नहीं आते, मैं कहती हूँ आप ही रोज़ रोज़ कहाँ आते हैं। अब आप जाने देंगे तभी तो हम कल मिलने आएंगे, और वैसे भी आपने वादा ले लिया है कि कल ना आना, तो मैं कल नहीं आने वाली हूँ, आपसे होगी परसों फिर से मुलाकात। तब तक के लिए करिए स्वीकार अपने साथी सरिता का प्यार भरा नमस्कार। मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे, कोठे पे आरी है, कोठे पे आरी, तेरे नाम कर दूं जिया ले आ पटवारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी, पटवारी।
बदनामी से क्या डरना, क्या डरना। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। अंबर पे तारे है, अंबर पे तारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे। जीना हो जिसे हो आए क्यों प्रीतम के द्वारे, प्रीतम के द्वारे। मिस्री की डलिया, मिस्री की डलिया, प्यार में कांटे हैं ज्यादा थोड़ी कलियां। मिस्री की